मैडम बताएं, जो यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसमें क्या मतलब कहना चाह रहे हैं लोग? देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा जी और अशोक गहलोत जी के आह्वान पर किया जा रहा है। और इसके अंदर जो मेन मुद्दा है वो है लोकतंत्र को बचाने का। देखिए, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन लोकतंत्र है। और आज अगर कोई पार्टी चुनाव जीतती है और कोई पार्टी बहुमत के बल पर सरकार बनाती है और उसके बाद जब कोई उसको सरकार को गिराने की करता है, आप देखेंगे कि जब भी, जैसे मान लो अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, और इसके बाद कोई भी जनता केवल 80%, केवल 20% वोट ही इंसान के फेस पे देती है, बाकी 80% वोट देती है पार्टी के सिंबल पे। और पार्टी के सिंबल पे अगर जनता ने बहुमत की सरकार अशोक गहलोत की बनाई है, तो उसको गिराने का काम, मतलब ये जनता के साथ धोखा है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा बनाई गई है, यही लोकतंत्र है। और आज जो भाजपा जो खरीद फरोख्त कर रही है, जैसे उन्होंने कर्नाटका में किया, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया और महाराष्ट्र में भी करने की उनकी प्रयास था, लेकिन वो विफल हो गया। तो अब उनका नेक्स्ट प्रयास है कि राजस्थान की सरकार कैसे न कैसे करके गिराई जाए, विधायकों को प्रलोभन देके राजस्थान की सरकार गिराई जाए। तो ये इस संबंध में धरना प्रदर्शन है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र कहाँ है। दूसरी बात कि जो जितनी भी संवैधानिक संस्था है, सब इन ईडी है और सीबीआई है, सारे इनके इशारों पे काम करती है। तो जिस समय पे सरकार में यहाँ पे राजनीतिक महाद्वंद चल रहा है राजस्थान में, उस समय पे जब केंद्र सरकार ईडी को भेज देती है, सीबीआई को भेज देती है, तो ये मतलब कहाँ तक उचित है? यहाँ पे जैसे उनको तो चाहिए कि भैया, जब यहाँ पे सरकार बनी है, जनता की सरकार बनी है, तो इसको इस टाइप की, इस तरह की गतिविधियाँ ना करते हुए इसको संयमित रखें। और राज्यपाल महोदय जी से भी मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लें। और देखिए, ये जो सरकार यहाँ पे, एक तो सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक तो हाई कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये जनता के साथ धोखा हो रहा है। आज कोविड-19 के इस काल में, कोविड-19 के काल में जब विधायकों को, सरकार को जनता के साथ काम करना चाहिए, और वो इस बीजेपी की, भाजपा की इस टाइप की गतिविधियों के कारण आज सब कुछ मतलब हवा में है। दूसरी बात कि आज मतलब जल्दी से इसका नुकसान पहुंचाने वाले इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सुप्रीम कोर्ट आज जो सोमवार के दिन जो फैसला देने वाला है, मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करती हूँ, एक एडवोकेट होने के नाते भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे, इसके बाद जो दल बदल कानून को इतना सख्त कर दे कि जो भी विधायक जीत के आए वो 5 साल तक कोई भी दल ना बदल पाए। ये मेरा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट ने दे, ताकि ये जो जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, इसको केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार गिराने में पूर्ण रूप से विफल हो। यही लोकतंत्र है और इसी संबंध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पे, कि हमारे, हमको खुद को आम जनता को लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी। तो केंद्र में बैठे हुए सब तानाशाह की सरकार है, सब जगह अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। जहाँ जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे इन्होंने अनैतिक तरीकों से विधायकों को प्रलोभन देके ये सब किया है, विधायकों को प्रलोभन देके वहाँ पे सरकार गिराई है। और ऊपर से अगर ये आज बोलते हैं यहाँ पे कांग्रेस की जो सरकार है, यहाँ पे जब प्रदर्शन करते हैं, ये करते हैं, या वो होटल में विधायक हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो मैं एक बात उनसे भी पूछना चाहूँगी कि जब मध्य प्रदेश की सरकार वहाँ पे, तो और ज़्यादा कोरोना फैला, यहाँ पे तो अशोक गहलोत साहब ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। मध्य प्रदेश में जब कोरोना फैला हुआ था, आज भी बहुत ज़्यादा है, इवन ऑड का मामला वहाँ पे चल रहा है, तो इसके बाद वहाँ पे कैसे सरकार गिर गई? वहाँ पे सब शपथ लेते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो ये क्या केंद्र सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? केंद्र सरकार कोविड के मामले में जनता की मदद करने की बजाय विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, जो कि सरासर गलत है, कि लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। मैं जयपुर से ममता वशिष्ठ, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस से महासचिव, आप सभी का बहुत धन्यवाद करूँ।